स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाइल और व्हेन के बीच जो है वो डिफरेंट सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो है वो अपन एक्सरसाइज में यहाँ पर 10 क्वेश्चन है और इन 10 के ऑप्शनल ए और बी मैंने दे रखे हैं, तो इसमें आपको दो में से एक को चुनना है और हैंड टू हैंड फैसला भी हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर आप ऐसे कहते हैं कि सर हमें भी टाइम दीजिए, तो मैं आपके लिए टाइम सेट कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए दो दो सेकंड वैसे ही सेट करो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। वॉली एंड वॉल, इसका मतलब होता है पूरी तरह से जो एज एडवर्ब से पहले अपन जैसे एज एडवर्ब यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब पूरा होता है, इसका मतलब पूरी तरह से, ठीक है। वी आर वॉली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मैं इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार, पूरी तरह से जब बोलते हैं तो वॉली आप, और मैं पूरा कंप्लीट पूरा बोलता हूँ वॉल पर डालता है। अब आप देख सकते हैं इसको उन्होंने डन किया, ये देखिए ग्रेट आंसर यानी कि राइट आंसर। एज एडवर्ब द डिफरेंस बिटवीन वॉली एंड वॉल इज दैट वॉली इज कंप्लीटली एंटायरली, यानी कि पूरी तरह से इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वॉली बोलते हैं। और जबकि ये जो है वो कॉन्जुगेट है, यानी कि एंटायरली जो है वो वॉली है, यानी कि वॉल जो है वो इसी का है, लेकिन इसका एडवर्ब है, हमें एज ए एडवर्ब यहाँ पर यूज करना है। आपको पता है कि अलवाई लगने से क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, तो ये वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। नेक्स्ट, ओ व्हाट इज दिस, जस्ट ए सेकंड। या नेक्स्ट, दिस वन नेक्स्ट, आई वुड ट्रेवल, आई हैव ट्रेवल नहीं है यहाँ पर, आई वुड ट्रेवल लिखा हुआ है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। आई वुड ट्रेवल यानी कि मैं यात्रा करूंगा वर्ल्ड टू फाइंड माई लव, ठीक है, मैं अपने प्यार को ढूंढने के लिए पूरे संसार की यात्रा करूंगा, यानी कि आई वुड ट्रेवल द होल वर्ल्ड, ऑल द वर्ल्ड बोलो या वॉल द होल वर्ल्ड, ऐसे बोल सकता हूँ द होल वर्ल्ड। अब एक चीज आपको देखनी है कि ये जो ऑल वाला वर्ड है उसके बाद आपको प्लूरल दिखाई देगा, कोई भी जो नाउन आएगा वो प्लूरल दिखाई देगा, यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है, यहाँ पर ये नाउन है वर्ल्ड, संसार जिसको कहते हैं, लेकिन ये जो नाउन है ये सिंगुलर है क्योंकि इसके साथ सीएस ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से द होल वर्ल्ड, दिस वन अगेन करेक्ट। और आप देख सकते हैं एक चीज बहुत ही अच्छी यहाँ पर बता रखी है, बिना किसी टाइम वाई अपन इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चला देखिए इस चीज को, आप यहां पर इस चीज को देखिए, आप ये वाला देखिए, डिटरमिनर वोल प्लस नाउन, यहां पर नाउन होगा, यहां पर वोल आएगा, यहां पर डिटरमिनर, डिटरमिनर में आपका क्या आ सकता है, ठीक है, डिटरमिनर में आपके प्रोनाउन आ सकते हैं और आपके आर्टिकल आ सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल ए एंड दी में से, ये देखिए जो डिटरमिनर आया दी और उसके बाद आपका बोला है, उसके बाद आपका नाउन होना चाहिए, ये नाउन है, तो इस तरह से ये भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। डी प्ले आ गया और डब्ल्यू एच बड़ा वाइल या वोल वर्ड आ गया और फिर आपका क्या आ गया, नाउन आ गया, ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सुनना है, अब्नेर किसी का नाम है, अब्नेर ब्रॉक, अपने ने तोड़ दिया ग्लासेस विद हिज बिग हैंड्स, ठीक है, अपने बड़े हाथ से, मजबूत हाथ से उसने क्या कर दिया, ग्लासेस को, ऑल द ग्लासेस, मैं ऑल द ग्लासेस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर ग्लासेस ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो अपना अपने ब्रॉक ऑल ग्लासेस विद हिज बिग हैंड, ऑल द ग्लासेस, आपने सुना होगा, देखो इसका सीक्वेंस भी सही जा रहा है, ठीक है, सीक्वेंस भी सही जा रहा है, इट मीन्स एक्सीलेंट, अपना फिर से बेस्ट हो गया, ऑल आ गया, डिटरमिनर आ गया, डिटरमिनर इनमें से आ सकता कोई, और फिर नाउन आ जाना, ऑल द ग्लासेस, ये देखिए ऑल, डिटरमिनर कोई सा भी, डिटरमिनर में ए एंड डी भी होता है, ओवर माई दिस कुछ भी आ जाए, डिटरमिनर कौन सा भी आ सकता है, ऑल द ग्लासेस, हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ये वाला आप करके दिखाइए, आप करके दिखाइए, माई ब्रदर इज सो ग्रीडी, मेरा भाई जो है वो बहुत ही लालची है, इतना लालची है कि उसने क्या कर दिया, ही एट, उसने खा लिया द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, अब उसने कौन सा, द होल बॉक्स, दी तो पहले से ही लगा है, तो ये तो आएगा नहीं,
ये वाला तो आएगा नहीं, ये वाला देखते हैं, वॉल द वॉल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो मुझे ऐसा लगता है ये बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है? ऑल मेडिकल सिलेक्शन यार बॉक्सेस नहीं है, यहां पर बॉक्स ही लगाओ, व्हाट डू यू सी, करेक्ट, मे बी यही होना चाहिए। देखते हैं, इधर की डिटरमिनर्स वॉल प्लस नाउन, ये भी करेक्ट जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आई विल ड्रिंक वाटर। अब ये बोतल को ड्रिंक लेगा, कितना, पूरा बोतल को क्या पी जाएगा, ये पूरा बोतल को पी जाएगा, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, वो वाली नहीं, आप ज्यादा फीलिंग मत लो। आई विल ड्रिंक द वॉल बोतल्स। अब यहां पर तो मैं वॉल के बाद जो आपका क्या है नाउन सिंगुलर आता है, लेकिन यहां पर तो प्लूरल है, बोतल्स बोतल्स है। अब मैं ऐसे कहूंगा आई विल ड्रिंक ऑल द बोतल्स, मुझे ऐसा लगता है बी ऑप्शन सही होगा। आपको क्या लगता है? मेरे पास रीजन एक ही है छोटा सा, कि यहां पर ये प्लूरल्स में है, प्लूरल्स में ये वाला होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी ऑब्वियसली। एंड ऑल ऑफ दी, या तो ऑल दी या ऑल ऑफ दी, ये दोनों ही यूजली हम किस में यूज करते हैं, प्लूरल में यूज करते हैं, प्लूरल नाउन में। इसमें साथ में आपका क्या है, आपका ये भी है कि जस्ट ए सेकंड, आई वांट टू गो बैक नाउ। पता नहीं क्या हो गया आज। नेक्स्ट नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर, वी कांट स्पिन, वी कांट स्पिन। अब क्या है, टाइम आर्ग्यू, बहस करने में टाइम जो वो बर्बाद नहीं करना चाहता है, ये बहस, आर्ग्यूइंग क्या होता है, बहस करना, तो ये टाइम जो वो बर्बाद नहीं करना चाहता। तो आपको क्या, वी कांट स्पिन वॉल द टाइम आर्ग्यूइंग, या द वॉल टाइम आर्ग्यूइंग, या वॉल टाइम आर्ग्यूइंग, कौन सा होना चाहिए? मैं भी इसमें कंफ्यूज हूं, मैं तो पूरी तरह से कंफ्यूज हूं। आप बताइए क्या आएगा, 5 सेकंड आपके पास। वी कांट स्पेंड वॉल द टाइम आर्ग्यूइंग, वी कांट स्पेंड द वॉल टाइम आर्ग्यूइंग, कौन सा होना चाहिए? We can't spend the whole time arguing. ये वाला मेरे को लग रहा है, बिल्कुल यही लग रहा है। Determiners, walls, noun. ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपकी कितने सही हुए, ठीक है? और जो भी अभी तक चैनल पे लाइव नहीं आया है वो लाइव भी आ सकते हैं, शाम के 7:30 बजे के करीबन लाइव चलता है, और कोई भी कमेंट सेक्शन में डाल सकता है कि आपको कौन सा टॉपिक जो है वो आगे की रिक्वायरमेंट है, जिस भी टॉपिक के आगे की रिक्वायरमेंट है वो आप बता सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लव फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, माय पेरेंट्स लव फुटबॉल, पेरेंट्स को भी पसंद है, एंड माय सिस्टर लव्स फुटबॉल, मेरी सिस्टर को भी पसंद है, एंड दे द फैमिली लव्स फुटबॉल। अब ये कहते हैं पूरी फैमिली जो है वो फुटबॉल से प्यार करती है, यानी कि फुटबॉल खेलना पसंद है। द वॉल फैमिली लव्स फुटबॉल, द ऑल द वॉल, द वॉल, द वॉल फैमिली, ये भी आपका वेरी गुड हो गया, बिल्कुल। अब नेक्स्ट है नंबर 8 है, कौन सा नंबर है, 8 नंबर, वी लिव्ड इन द सेम हाउस ओवर, वी लिव्ड इन द सेम हाउस ओवर, ठीक है, हम एक ही घर में रहे पूरे पूरे जीवन, पूरे लाइफ में हम एक ही घर में, ओवर वॉल लाइफ, पूरे पूरी जिंदगी के अंदर, पूरी जिंदगी बोलना है तो वॉल लाइफ, ठीक है, नाइस, ठीक है। डिटरमिनर्स आ गया, वॉल आ गया, नाउन आ गया, वही एक ही क्रेज चल रहा है, बिल्कुल सिंपल वे चल रहा है। अब आपका देखिए नेक्स्ट वाला, ये वाला बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, ठीक है, आपने कहीं पे एक फ्रेज देखा होगा, ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल, ठीक है, फाइनली मतलब क्या है, फाइनली क्या है, सक्सेस आएगी, ऑल इन ऑल इट वॉज ए सक्सेस, ठीक है, ऑल इन ऑल, तो वॉल इन ऑल नहीं होता है, ऑल इन वॉल भी नहीं होता है, वॉल इन वॉल नहीं होता है, ऑल इन ऑल, दिस इज ग्रेट। यहां पे 9 एकदम से करेक्ट हो गए हैं। अब देखते हैं अपन, अभी नीचे भी देखिए, ऑल इन ऑल होता है या ऑल द वॉल होता है, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी देखेंगे हम, लास्ट पीस का देख लेते हैं आज के लिए, लास्ट एक बार ये देख लेते हैं आगे की वीडियो के अंदर, तब तक आप मेरे को इसका आंसर बताइए, मैं आपको बता देता हूं,
आगे की वीडियो के अंदर हम 20 या 50 सेंटेंस डाल देंगे, ठीक है। इसको बस हल्का थोड़ा थोड़ा समझाते हुए मैंने बताया कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा हो सकता है, उसकी वजह के साथ जो अपन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपका कोई टॉपिक हो स्पेशल, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसके लिए स्पेशल वीडियो जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। और इसके जो है ये एक सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है आपकी, जैसे ओल एंड बोल की होगी, वैसे मैनी एंड मच की होगी, शॉरल वर्ड की होगी, तो आपके इसके ऊपर जो है वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जरा देखिए, माई ब्रदर सो ग्रेडी ही एट, इसमें थोड़ा चेंजेस है, वो सेम सेंटेंस है, मेरा भाई बहुत ही ज्यादा जो है वो ग्रीडी है। He ate, उसने खा लिया the chocolate in the box. उसने box में से सारी चॉकलेट खा ली। अब the whole chocolate लिखो, the whole chocolate मैं लिख नहीं सकता, देखो the whole word की बात जो है वो noun singular आना चाहिए, यहाँ पर तो chocolates लिखा है ना, chocolates, तो ये the whole the chocolate ये नहीं लिखा। He ate all the chocolate आप बना सकते हैं, देखो all the chocolate नहीं होता है, All the chocolate होता है, तो वेरी सिंपल है ये भी आपको, यानी कि जब आप एक्सरसाइज को करते हो तो आप जैसे एसएससी जैसे एग्जाम को देते हैं या सीजीएल या सीपीओ, ठीक है, आप किसी भी चीज का एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर इन चीजों पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आपने अगर ये एज ए टाइटल सीखा है कि वोल ऑल इनके बारे में भी मुझे नॉलेज होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं ऑल द चॉकलेट क्या बना देंगे, ऑल द चॉकलेट। सो अपना ये हो गया है, यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ फिनिश, ये आ गया और आपका रिजल्ट जो है वो यहां पर सामने आपको दिख जाएगा। जस्ट ओ नो, ये क्या दिख गया आपको, रिजल्ट दिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है, अपना 10 जो है वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो 20 प्लस सेंटेंसेस उसमें देखेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच।